ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। पुलिस के संरक्षण में घूम रहे हैं अपराधी, पीड़ित को नहीं मिल रहा न्याय। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत जानकी नगर रानीपुरवा का है, जहां 10 फरवरी को अनुराग यादव पुत्र लालजी यादव अपने चचेरे भाई के साथ शाम को लगभग 7 बजे अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में ज्योति शरण तिवारी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अनुराग से जबरदस्ती उसकी बाइक छीनने लगा। विरोध करने पर दबंगों ने अनुराग और उसके भाई सनी को लोहे की रॉड से सर पर वार कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। आनन फानन में जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। पुलिस इस पूरे मामले में बचती नजर आ रही है। जब आज पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया, तब जाकर पुलिस की आंख खुली। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। हमरे लड़का कहीं मार रहे हैं। कौन मारा है? सुजीत अजीत। क्या तारीख की घटना है? आज 5 दिन थाने गए थे आप? मुकदमा लिखा गया आपका? सुनवाई नहीं हुई। नहीं, तो यहाँ किससे मिले आप? एसपी से मिले। एडीसी साहब से मिले? क्या बताए? वो तो कह दिए, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। कोतवाली थाने पे जाइए, कार्रवाई होगी। आप लोग थाने पे जा रहे हैं? हम लोग कोतवाली जा रहे हैं। नहीं होगी तो हम लोग यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। कहाँ पे? यहीं पर। किस कारण से? तो आपको आपसे सुनवाई नहीं हो रही है? लड़का कहाँ? समय जिला अस्पताल में। एक लड़का जिला अस्पताल।